हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव फॉर एवर में। आज मैं आपके साथ यू रिमेम्बर मी का 14वां पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, वांजी ने विंग से कहा था, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो चलिए कहानी इसे आगे शुरू करते हैं। वांजी विंग के बहुत करीब था और उसकी आंखों में देख रहा था। विंग तो बिल्कुल इस तरह लग रहा था, काटो तो खून नहीं, वह एक बुत की तरह लंजन की आंखों में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लंजन ने जो अभी उसे कहा वह सच है या वह कोई सपना देख रहा है। वांजी देख सकता था कि विंग को उसकी इस बात से कितना बड़ा झटका लगा है, मगर वांजी के पास इतना समय नहीं था कि वह विंग को धीरे धीरे यह सब बताता। वह बताता कि विंग, मैं तुमसे उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, इसलिए वांजी ने इतना बड़ा कदम बढ़ा दिया बिना यह सोचे कि विंग किस तरह का रिएक्ट करेगा जब यह सुनेगा। वांजी ने विंग को होश में लाने के लिए उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़ा और हिलाया। विंग जब होश में आया तो उसने एक बार फिर लंजन के चेहरे की तरफ देखा, मगर लंजन के चेहरे पर अभी भी वही सवाल था। विंग ने हकलाते हुए कहा, मैं लंजा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक मैन हूँ ना, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? विंग अभी वांजी के दिए इस झटके से बाहर नहीं आया था, तभी वांजी ने उसे दूसरा झटका दे दिया। वांजी ने कहा, मगर विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग देख रहा था, लंजा कोई मजाक नहीं कर रहा है। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, उसकी आंखें नम थी। विंग ने पहली बार किसी की आंखों में उसके लिए इतना प्यार देखा था। बस उसकी चीज़ें ही हैं जो उसे इतना प्यार करती हैं, और उनके सिवा मैंने किसी की आंखों में भी अपने लिए इतना प्यार नहीं देखा। यह सोचकर विंग की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपनी रोती हुई आवाज़ में कहा, लंजा। लंजन ने विंग के फेस को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहा, विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, मेरे साथ घुसो, चलो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे ना विंग? विंग ने अपनी टीयरफुल आईज से वांजी की तरफ देखा और एक जेंटली मुस्कान देते हुए कहा, हाँ लंजा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग ने यह कहकर वांजी को कसकर गले लगा लिया। विंग का सर वांजी की चेस्ट पर रखा हुआ था और वांजी ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया था। वांजी के चेहरे पर एक सुकून था, वह बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था जैसे वह उस ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहा हो। वांजी सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो चाहा वह मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। वांजी विंग से कहने लगा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे विंग, मैं तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी एक आवाज़ ने जैसे उन दोनों के सपने को ग्रहण लगा दिया, वांजी, विभूषण। उन दोनों ने एक दूसरे को खुद से अलग किया और उस आवाज़ की तरफ देखने लगे। अचानक उधर का नज़ारा देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। वहां पर लैन कुरैन, लैन सिचैन और जियांग फेंगमियान एक साथ खड़े थे और उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। उनकी आँखों में गुस्सा और सवाल थे और उनके चेहरे पर हैरानी। तभी सिचैन ने सिचुएशन को देखते हुए कहा, वांजी, कितना समय हो गया, तुम जानते हो हमें समय से महल के लिए निकलना था। अंकल और क्लान लीडर जियांग को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हें ढूंढने के लिए निकल आए, क्योंकि हमें लगा कहीं तुम मार्ग से भटक तो नहीं गए हो। तभी लैन कुरैन ने कहा, मार्ग से तो ये भटक ही चुका है। उनकी आवाज़ में वांजी के लिए निराशा और गुस्सा था, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, क्लान लीडर, लगता है अब हमें महल के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि हमें समय से महल पहुंचना है। जियांग लीडर ने भी लैन कुरैन की सहमति में अपना सर हिलाया, मगर उनकी नज़र अभी भी विंग और वांजी के उस हाथ पर थी जो उन्होंने अभी भी कसकर पकड़े हुए थे। वांजी ने महसूस किया, विंग का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा था। वांजी ने एक बार विंग के हाथ की तरफ और एक बार विंग के फेस की तरफ देखा जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वांजी समझ गया, विंग इस बात से काफ़ी डरा हुआ है। वांजी सोचने लगा, उसके जाने के बाद कहीं विंग को कुछ गलत का सामना ना करना पड़े, या फिर कुछ ज़्यादा ही गलत। वांजी ने अपनी उंगलियाँ विंग की उंगलियों में कसते हुए कहा, क्लान लीडर जियांग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग, लैन सिचैन और लैन कुरैन सभी वांजी की तरफ हैरानी से देख रहे थे, लेकिन जियांग फेंगमियान की आंखें वांजी को हैरानी से नहीं, उम्मीद से देख रही थी, जैसे कि वांजी जो कहना चाह रहा है वह वही सुनना चाह रहे हों।
जियांग फेंगमियान ने सर झुकाते हुए कहा, माई मजिस्ट्री, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वांजी ने बिंग के हाथ को आगे की तरफ किया और कहा, क्लान लीडर जियांग, मैं बिंग से शादी करना चाहता हूँ। वांजी ने एक बार भी लैंड कुरेन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था अगर उसने अंकल की तरफ देखा तो वह सब नहीं कह पाएगा जो वह कहने वाला था। किलान लीडर जियांग, मैं बिंग को पसंद करता हूं और मैं बिंग से शादी करना चाहता हूं। तभी एक चिल्लाती हुई आवाज़ ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लैंड कुरेन गुस्से से लगभग पागल हो रहा था, उसकी आंखें लाल थी। वांजी ने पहली बार अपने अंकल को इतने गुस्से में देखा था। वांजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम यह सब क्या कह रहे हो? तुम इन किलांस के राजा हो, एक एम्परर, और जब किलांस के लोगों को तुम्हारी इस बचकाना हरकत के बारे में पता चलेगा तो एम्परर को लेकर उनके मन में क्या इज्जत रहेगी? वांजी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने अब एक शब्द भी नहीं कहा और केवल अपना सर नीचे किए हुए खड़ा रहा। तभी लैन सिचेन ने कहा, अंकल आप शांत हो जाइए, वांजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो पहले नहीं हुआ। आपको ज्ञात होगा हमारे राज्य में पहले कई राजा ऐसे रहे हैं जिनकी काफ़ी सारी रानियां थीं, जिनमें से कुछ रानियां मेल भी थीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात से ऐतराज़ करेगा। लैंड कुरेन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगा। लैंड कुरेन जानता था यह गलत नहीं है, मगर वांजी लैंड कुरेन का गुरूर था और उसे वह गुरूर टूटता नज़र आ रहा था। और लैंड कुरेन यह भी जानते थे कि अगर वांजी ने एक बार जब किसी का हाथ थाम लिया तो वह फिर दूसरी शादी नहीं करेगा, और फिर राज्य का क्या होगा? यह राज्य बिना वारिस के अनाथ हो जाएगा। लैंड सिचेन ने पहले ही शादी से संन्यास ले लिया है, और अगर वांजी ने बीबूसैन से शादी की तो फिर क्या होगा? लैंड कुरेन यह सोचकर बहुत दुखी थे, मगर वह समझ चुके थे कि अब इस विषय में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी जियांग फेंगमियान ने लैंड कुरेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैं आपसे एक दोस्त के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। लैंड कुरेन ने एक ठंडी आह भरी और जियांग फेंगमियान के साथ जाने लगे। लैंड सिचेन ने आगे बढ़कर वांजी के शोल्डर पर अपने हाथ रखे तो वांजी ने सिचेन की तरफ देखा। वांजी की आंखें पूरी तरह गीली थी। सिचेन ने वांजी को सांत्वना देते हुए कहा, वांजी तुम परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता अंकल तुम्हारी और विंग की शादी के लिए मना करेंगे। वांजी और सिचेन ने एक साथ विंग की तरफ देखा, जो अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और केवल रो रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी किस्मत पर नाज करे या रोए। राज्य के एम्परर उसका हाथ पकड़े हुए हैं और अपने पिता समान अंकल से केवल मेरे लिए लड़ रहे हैं, या फिर मैं रोम कि मैं जिस जगह होता हूँ मेरी प्रेजेंट एक बड़ी बहस का मुद्दा बन जाती है जो परिवार को तोड़ने जैसे हालात बना देती है। तभी लैंड सिचेन ने विंग के सर पर हाथ फेरा और कहा, आशियान क्या तुम मेरे छोटे भाई से शादी करोगे? विंग ने शर्माते हुए अपने होठों को दबाया और एक मीठी सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिलाया। वांजी के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान थी। और उधर किसान में बैन लोहान खुशी से कूद पड़ा, अब हमें घुसू पर राज्य करने से कोई नहीं रोक सकता। बैन चाउ जो अपने पिता को हैरानी से देख रहा था कहने लगा, आप यह क्या कह रहे हो? वह लोहान ने कहा, तुम यह रोशनी देख रहे हो? उसने एक तेज रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वेंचाओ ने कहा, लेकिन इसमें खुश होने वाली क्या बात है? ये तो इन आयरन है और आप इस पे हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इसीलिए यह इतना चमक रही है, लेकिन यह हमें घुसू का राज्य किस तरह दिलाएगी? वैन लोहान ने कहा, यह कोई आम रोशनी नहीं है, यह रोशनी हमें हमारे असली मकसद को पाने का रास्ता दिखा रही है। रोशनी बता रही है कि इन आयरन का जो सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है वह गुसु के आसपास है। उस एम्परर लांगवांजी के बेहद करीब बरसों पहले यह टुकड़ा गुसु की एक जादूगर बाउसन सैरन ने नष्ट कर दिया था, कि एक मैजिकल मैन ने इस टुकड़े को कर्ज दिया था कि अगर कभी भी यह टुकड़े आपस में मिल गए तो वह एम्परर के ब्लड से ही शांत होंगे। वह वाउसन सैरन उस टुकड़े को कर्ज मुक्त तो नहीं करा पाई, इसलिए उसने उस टुकड़े को नष्ट कर दिया और दूसरे टुकड़े को छुपा दिया। अगर मुझे लगता है वह दूसरे टुकड़े को छुपाने में थोड़ी लापरवाह निकली, या फिर उसने सोचा होगा कि इस इन आयरन के दूसरे टुकड़े को कभी कोई जीवित नहीं कर पाएगा। वेंचाओ ने कहा, मगर जब उन्होंने उस एक टुकड़े को नष्ट किया था तो फिर दूसरे टुकड़े को नष्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों टुकड़ों को एक साथ नष्ट करना उसे भी नहीं आता था। उसे नष्ट करने का तरीका अभी तक किसी को नहीं मिला है।
मगर यह हमारे लिए अच्छा है क्योंकि यह हमारा बरसों का सपना पूरा करेगी, घुसू पे राज्य करना। और वह यह कहकर एक डेविल हंसी हंसने लगता है और फिर शांत होते हुए कहता है, अब केवल हमें उस इंसान का पता लगाना है जिसके पास यह टुकड़ा है। यह तो सच है कि वह व्यक्ति महल से ही है क्योंकि वह लैनकुरेन उस वांजी को कहीं भी नहीं जाने देता। वांजी और सिचैन जब महल पहुँचे तो वांजी ने सिचैन की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिचैन ने कहा, बोलो वांजी, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वांजी ने सिचैन की आंखों में देखते हुए कहा, भाई आपने कहा था कि आप विंग को तब से जानते हैं जब वह छोटा था। सिचैन ने कहा, वांजी मैंने कहा था और यह सच भी है। वांजी ने कहा, तो फिर भाई आप यह भी जानते होंगे कि विंग महल के नाम से इतना डरता क्यों है? सिचैन ने वांजी के चेहरे की तरफ देखा जिसे देखने से लग रहा था कि उसके लिए इस सवाल का जवाब इतना ज़रूरी है कि जैसे उस जवाब पर उसकी सारी ज़िंदगी रुकी हुई हो। वांजी ने एक बार फिर कहा, भाई मुझे जानना है विंग महल के नाम से इतना डरता क्यों है? तो चलिए दोस्तों, आज का पाठ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज का पाठ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।